हेलो माय आर्ट एंड फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था पोको वीडियो 6 से, तो विन न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि कोई एक्सटर्नल माइक लगा हुआ नहीं था, तो इसी पे तो मैं ये वॉइस क्लिप कर रहा हूँ करके देखते। मैं बता दूँ कि BS6 250 BS4 250 से बहुत ही रिफाइन है, चलाने में बहुत स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है और माइलेज तो बहुत ही बढ़िया ही है। आपको मिल जाएगा ऐसे इकोनॉमी चलाने से 60-70 का चलाने से 30 का माइलेज आपको मिल जाएगा। हाईवे तो ज़्यादा भी मिल सकता है, अगर आप पूरा रश करते हो तो माइलेज भी मिल जाएगा। आपके ऊपर सोचते हैं कि आप कैसे चलाते हो, आपका रोड्स कैसा है या आप कितना क्लच यूज़ कर रहे हो, कितना गियर शिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आप लोग इजीली ओवरटेक करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि पावर है 250 में, आप सब लोगों को तो पता ही है, लेकिन BS6 में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं। तो कॉर्नर ले लेके बहुत ही बढ़िया ले सकते हैं आप लोग, अगर पूरा प्रॉपर आता है तो आप लोगों को ऐसे जोश में बताओ दूसरा का जोश में, आपका जितना लिमिट है उतना भी चला आप लोग। तो इसका सेकंड सर्विसिंग अब तक नहीं हुआ, तो होने वाला है 5000 कंप्लीट नहीं हुआ इसका, तो मेरे फ्रेंड का ही है, मेरा घर के पास ही रहता है, मेरा ब्रदर है बोल सकते हैं आप लोग। कैसे टर्न लेगा देख लो, ओवरटेकिंग भी करने में बहुत ईजी है, तो ये टर्न में थोड़ा ओवरटेकिंग में रिस्की होता है। पहले आप लोग हॉर्न दे दो, अगर रास्ता खुला है तो आप लोग निकल जाओ। देखो ये सब गाय वाय भी रास्ते में ही होता है, अगर तो अगर आप लोग पूरा पीछे जा रहे हो तो गाय आगे आ गया, तो आप तो जितना भी ब्रेकिंग ABS हो या फिर जो भी हो तो आप लोग रुका नहीं पाओगे। तो इससे टर्न में या फिर इस रोड में थोड़ा सा स्लो चलाना है, हाई स्पीडिंग मत करो। तो ये व्यू बहुत ही बेस्ट लगता है मेरे को, तो पूरा राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों में पूरा पेडी फील टाइप था पहले, अभी भी है लेकिन थोड़ा सा अभी कारवर हो गया है। तो ये रास्ते से मतलब वाइल्ड एलिफेंट भी क्रॉस होता है या फिर दिखता है आप लोगों को, तो फॉरेस्टर ऑफिसर लोग यहाँ पे चेकिंग के लिए आता रहता है कि कोविड में है ना फॉरेस्ट ऑफिस। राइट साइड में देखो आप लोग, यहाँ पे फुटबॉल सेंटर है लड़का लोग, अभी तो बंद नहीं बन पाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पे स्पीड पिकर्स भी दे दिए है छोटा छोटा, ये राइट साइड में ही होते। फिर कभी हम लोग गियर चेंज करेंगे, फर्स्ट गियर चेंज, सेकेंड गियर चेंज कितना जाती है हाईवे पे चेक करेंगे। इस रोड में तो कर नहीं सकते, इतना रिस्की हो जाता है। मैं PA के साथ था इसीलिए मैंने ज़्यादा तेज नहीं चलाई, सिंगल होने से मैं टेस्ट करता थोड़ा सा रश करता, लेकिन PA नहीं तो इसीलिए PA के साथ। तो बाइक भी नहीं है तो ज़्यादा
प्रॉपर वीडियो आने वाला है उनका, आप लोग वेट करते रहो, सपोर्ट करो, ऐसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसे ही तो सपोर्ट मिलेगा ना गाइस। पीस आउट, जॉय आउट।